हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है, लास्ट 6 महीनों के करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। हर महीने के टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं और टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर किया गया है। इसके अलावा टोटल 600 क्वेश्चंस होंगे और फरवरी से जुलाई तक सारा इम्पोर्टेंट सब कुछ कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जुलाई के महीने से। पहला क्वेश्चन हमारा है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्टेड द ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 इन विच सिटी। तो इंडिया ने पहली बार ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का होस्ट किया है, कौन से शहर में किया है? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है ये, और ऑर्गेनाइज किया गया था ये FSSAI के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि अंडर एजिस हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। कौन से स्टेडियम में हुआ था ये? दिल्ली की मनीष शाह ऑडिटोरियम में ये हुआ था। और क्या बात की गई थी फूड के बारे में है, तो फूड सेफ्टी को कैसे बरकरार रखें, कैसे साइंटिफिक स्टैंडर्ड उसमें लेके आएँ, ये सभी इसमें बातें की गई थी। और यूनाइटेड नेशन के SDG गोल की यदि हम बात करें तो जीरो हंगर जो है, यानी कि फूड से ही रिलेटेड है जीरो हंगर, तो SDG गोल 2 में आता है ये जीरो हंगर को समाप्त करने की बात की जाती है। इसके अलावा गुड हेल्थ एंड वेलबींग की भी आता है, जो कि फूड से ही रिलेटेड है। जब हम खाना अच्छा खाएंगे तो ऑटोमेटिकली हेल्थ भी सुधरेगा, तो ये आता है 3 में। ओके, तो इसके अलावा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हमारे मनसुख मंडाविया हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सिटी वॉज द इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम्ड पार्क अनवील्ड। इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क अनवील कहाँ पे हुआ है? तो ये तो आपको पता होगा, नोएडा में हुआ है ये, और ये इनॉग्रेट हुआ है CM योगी के द्वारा। इसको वेद वन पार्क भी बोला जा रहा है, और यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा प्लांट इसमें लगाए गए हैं, और वैदिक लिटरेचर पे ये कम्प्लीटली जो भी उसमें चीज़ें बताई गई हैं उसमें उसका वर्णन दिखाया गया है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, इन सब का लिटररी जो वर्क है वो इस पार्क में शो किया गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, कौन सा स्टेट और यूटी है जो इंडिया का पहला कैनविस मेडिसिन प्रोजेक्ट बना रहा है, लीड कर रहा है? तो जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे जो कैनविस, यानी कि आपको पता है भांग को बोलते हैं कैनविस, तो भांग का जैसे गलत इस्तेमाल होता है, उसके अलावा उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कैनविस की, तो उसी की वजह से उसके कैनविस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको और उभारा जाए और लोगों तक उसको पहुंचाया जाए, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम कदम उठाएं, जो कि हमें मेडिसिन ज़रूरत पड़ती है वो खुद हम अपने इंडिया में ही बना पाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन से सिटी में एनुअल बोनालू फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है? तो ये हैदराबाद में हुआ है, जो कि तेलंगाना की सिटी है। तो बोनालू जो फेस्टिवल है ये महाकाली का फेस्टिवल है और 21 दिन तक ये चला था, और इसके अलावा अषाढ़ के महीने में मनाया जाता है। तो एग्ज़ाम में महीने में भी ऐसे महीने पूछ ले जाते हैं जो पहले यूज होते थे, तो जो बोनालू फेस्टिवल है अषाढ़ के महीने में मनाया गया है, और जुलाई या फिर अगस्त के महीने में पड़ जाता है। तो महाकाली का टेम्पल है, महाकाली का जो है ये उत्सव है, उसमें महाकाली जी को वर्शिप किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूमि सम्मान अवार्ड 2023, और ये प्रेजेंट किए गए हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो कि ऑर्गेनाइज हुए हैं, लॉन्च हुए हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। नई दिल्ली में इनको जो है अवार्ड को प्रेजेंट किया गया है। और इसके अलावा अचीवमेंट जो भी रहा है स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, इम्प्लीमेंटेशन में जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उसमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ने कितना अच्छा योगदान दिया है और कितना उनका योगदान रहा है, इसी बारे में उनको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फॉर कंजर्विंग 7 बिग कैट्स। तो इंडिया ने ही लॉन्च किया है, जो 7 जो कैट की स्पीसीज हैं बिग कैट की, उनको कंजर्वेशन करने के लिए 7 बिग कैट का अलायंस लॉन्च किया गया है। इसमें और भी कंट्री जो है सपोर्ट करेंगी। तो 7 कैट स्पीसीज कौन सी हैं? टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड प्यूमा एंड जगुआर एंड चीता, ये सब 7 कैट स्पीसीज हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे स्टेशन है कंट्री का जिसने रिसीव किया है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड? तो ये है बायकोला रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र का है, और इसके अलावा ये बहुत ही ओल्डेस्ट है, 169 साल ही पुराना है, तो पहले ज़माने का है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th कॉन्फ्रेंस जो है हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट कॉन्फ्रेंस की कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है? खजुराहो मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुई है।
इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है भारत मंडपम, ये इनॉग्रेट हुआ है कौन से शहर में, नई दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मोदी जी के द्वारा ये जो है इनॉग्रेट किया गया है। और इसके अलावा तो देखिए यहाँ पे जो G20 की समिट है वो भी होने वाली है, यही इसी को अभी ऐसा बोला जा रहा है कि इसी को, इसी सेंटर को G20 समिट का वो है एग्जीबिशन सेंटर बनाया जाएगा कि वहीं पे ये समिट जो है आयोजित होगी और आने वाले समय में ही सबसे बड़ा जो है कन्वेंशन सेंटर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन से शहर में इंडिया का टॉप टेबल टेनिस लीग और UTT टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज हुआ है, पुणे महाराष्ट्र में हुआ है ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शहर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो ऑर्गेनाइज हुआ है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन और एक्सपो ऑर्गेनाइज हुआ है वाराणसी में। 50th GST काउंसिल मीटिंग जो है कौन से प्लेस पे हो रही है, नई दिल्ली में। वर्ल्ड का पहला वुमेन रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित हुई है, जिनेवा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन से इंडियन स्टेट को जो है सेटअप कर रहा है इंडिया का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर फिशरीज़ में, तो फिशरीज़ में अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है सेटअप किया गया है केरल में। कौन से शहर में पहला इंडियन सिटी ऐसा बन गया है, कौन सा शहर जो कि ज्वाइन करेगा वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम, तो बेंगलुरु करेगा। कौन सा जो प्लेस है वो 54th डिस्ट्रिक्ट बन गया है मध्य प्रदेश का, इसका नाम है नगड़ा। फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर अरुणाचल प्रदेश की कौन सी महिला बन गई हैं, तो इसका नाम है तेंजिंग यंग की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंतर्गत कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका क्राइम रेट दलित के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा है, मध्य प्रदेश का बहुत ज़्यादा है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कारगिल ने जो है अपनी पहली वुमेन पुलिस स्टेशन जो है ये पा ली है, तो कौन से स्टेट है UT में मिली है इसको। लद्दाख में पहली वुमेन पुलिस स्टेशन ये है जो ओपन हुई है। कौन से शहर, कौन से स्टेट या UT में इंडिया का पहला कैनविस मेडिसिन प्रोजेक्ट बन रहा है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है एक बिल गारंटी करने के लिए जो सोशल सिक्योरिटी दी जाए जो कि गिग वर्कर्स होते हैं, तो गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, राजस्थान की गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है। सुनीता अग्रवाल जो है इनको चीफ जस्टिस बनाया गया है, कौन से हाई कोर्ट का, गुजरात की हाई कोर्ट का इनको चीफ जस्टिस बना दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन से शहर में फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, 108 फुट टॉल स्टैचू जो है लॉर्ड श्री राम जी की ये यहाँ पे स्थापित की गई है, तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में जो है 108 फीट लंबी लॉर्ड श्री राम की मूर्ति जो है यहाँ पे जो है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। कौन से स्टेट ने अप्रूव किया है कि 126 करोड़ का जो खड़ग रिजर्वेशन प्रोजेक्ट है उसको, तो उड़ीसा ने किया है, तो बाकी के जो भी एरियाज हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट से पानी की जो है सप्लाई वो हो पाती है, जहाँ पे पानी जो है डेफिशिएंट एरियाज है वहाँ पे पानी की सप्लाई अच्छे से हो पाती है। लवासा जो है पहला प्राइवेट हिल स्टेशन है इंडिया का, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो महाराष्ट्र में लोकेटेड है ये। कौन से स्टेट की कैबिनेट ने अप्रूव किया है मिशन शक्ति स्कूटर योजना, तो ओडिशा ने किया है मिशन शक्ति स्कूटर योजना का स्टार्ट। 69th एडिशन फिल्म फेयर अवार्ड का 2024 में कहाँ पे होगा, गुजरात में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टेट की कैटेगरी में है, स्टेट की कैटेगरी में ही देख रहे हैं, तो स्टेट में कुछ भी नया होता है तो वो यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है नई स्कीम जिसका नाम है शक्ति सशक्त महिला ऋण योजना, जो कि एम्पावर करेगी वुमेन को इकोनॉमिकली, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है। नमना एक तरह की रग है, ये कौन से स्टेट या UT से जुड़ी हुई है, तो जम्मू एंड कश्मीर से है। एक तरह का आर्ट और क्राफ्ट है जो वूलन जो होती है, वूल जो होती है उससे ही बनाया जाता है, थोड़े से डिजाइन क्राफ्ट टाइप का है। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है कंट्री में जो सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जिसने लॉन्च किया है, तो गुजरात ने। हरेला फेस्टिवल 2023 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला फेस्टिवल। और इसके अलावा हरेला फेस्टिवल में जो धन्यवाद दिया जाता है वो फसल के लिए धन्यवाद दिया जाता है, तो बेसिकली जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो फसल हुई है, हार्वेस्ट हुई है, उसके लिए धन्यवाद देने के लिए मनाए जाते हैं। कौन से स्टेट में चचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल मनाया गया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना, तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है।
कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने रिलीज की है देवाशीष चटर्जी की बुक जिनका नाम है कृष्णा द सेवेंथ सेंस। तो केरला के स्टेट गवर्नर ने रिलीज किया है देवाशीष चटर्जी की बुक कृष्णा द सेवेंथ सेंस को। कौन से स्टेट यूटी ने रूरल लेवलीहुड मिशन को में जो है स्कॉच अवार्ड पाया है। उनका रूरल लेवलीहुड मिशन इतना अच्छा था कि उसको स्कॉच अवार्ड हो जाते ही इसका मिल गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर ने प्राप्त किया है ये। केर पूजा कहाँ पे मनाई गई है, त्रिपुरा में, और खर्ची पूजा के 2 वीक बाद ही होती है केर पूजा। कौन से स्टेट में इंडिया ने जो है डेल और इंटेल सेटअप किया है आर्टिफिशियल स्किल लैब्स का, तेलंगाना में। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है जिसने लॉन्च किया है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। तो गुजरात के द्वारा लॉन्च की गई है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। कौन से स्टेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है हाईवे प्रोजेक्ट जो कि प्रमोट करेगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को। और छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है पीएम मोदी के द्वारा हाईवे प्रोजेक्ट प्रमोट करने के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने डबल कर दिया है इंश्योरेंस कवर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। तो गुजरात की गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो राशि थी उसको डबल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से स्टेट ने इनिशिएट किया है मू जंगल जामी स्कीम, उड़ीसा ने किया है। कौन से स्टेट यूटी ने ऑर्गेनाइज किया है वेतस्ता प्रोग्राम प्रमोट करने के लिए आर्ट कल्चर और लिटरेचर को। तो वेतस्ता प्रोग्राम जो है प्रमोट करने के लिए आर्ट कल्चर और लिटरेचर को ये ऑर्गेनाइज किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। और एक फेस्टिवल है सोइल फेस्टिवल है जिसका नाम है चिकल कलो, ये कौन से स्टेट में रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ है, गोवा में हुआ है। कौन से स्टेट ने डिसाइड किया है कि वो पेंशन फंड जो है उसको इंक्रीज करेंगे ताकि जो लोकतंत्र सेनानी हैं उनको थोड़ा सा और सम्मान मिले। तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। कौन सा स्टेट ऐसा टॉप एक्सपोर्टर बन गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का फाइनेंशियल ईयर 2023 में, तमिलनाडु बन गया है। अब ये सेशन जो अब जो ये सेक्शन है बुक्स एंड ऑथर्स का है, जो भी इम्पोर्टेंट जुलाई के महीने में बुक्स रही हैं और उनके ऑथर रहे हैं उसको देख लीजिए एक बार। तो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी की बुक है। कारगिल की यात्री की जुबानी, ऋषि राज ने ये पुस्तक लिखी है। बहुत अच्छे से जो कारगिल में जो एक्सपीरियंस उनको हुआ है उसके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। नेक्स्ट पुस्तक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मेमोरीज नेवर डाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट ही बुक हैं ये सब जो मैंने लगाई हैं। ये रिलीज तो की गई है अमित शाह के द्वारा जो कि होम मिनिस्टर हैं, लेकिन ऑथर की गई है ये डॉक्टर नजीमा मरायकर के द्वारा और डॉक्टर YS सर्जन के द्वारा। ये इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है, इसका वर्जन जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एज द व्हील टर्न्स, ये रंजीत प्रताप के द्वारा लिखी गई बुक है। थ्रू द ब्रोकन ग्लासेस ये लिखी है TN सेशन ने। इंडिया राइजिंग मेमोरियल ऑफ अ साइंटिस्ट इसको लिखा है R चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्र ने। प्रिज्म द एंसेंस्ट्रल एडोब ऑफ रेनबो इसको लिखा है विनोद मंकारा ने और रिलीज की गई है एस सोमनाथ के द्वारा। और ये जो चंद्रयान मिशन जो है लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को, उससे पहले ये जो है लॉन्च की गई थी पुस्तक। और इसमें कुछ साइंस के आर्टिकल्स बहुत सारे इसमें दिखाए गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स स्टूडेंट के लिए भी अच्छे आर्टिकल इसमें हैं। नेक्स्ट बुक है वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1924 से 77। इस बुक को लिखा है अभिषेक चौधरी ने। कलर ऑफ डिवोशन लिखी गई है अनीता भारत शाह के द्वारा। योगा सूत्राज फॉर चिल्ड्रन लिखा है रूपा पाई ने। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर लिखा है AK भट्टाचार्य ने। माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व इसको लिखा है सुधा पाई एंड सज्जन कुमार ने। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लीजिए जुलाई के महीने के जो इम्पोर्टेंट रहे हैं। फर्स्ट महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से मिला है रतन टाटा को। 2023 का लिटरेरी अवार्ड नोवल चाय टाइम के लिए एट द सिनेमन गार्डन्स मिला है शंकरी चंद्रन को। लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 का नरेंद्र मोदी को मिला है। लोकमान्य तिलक को आपको पता है बाल गंगाधर तिलक भी बोलते थे और बहुत अच्छा इनका योगदान था। तो इसी वजह से कुछ ऐसा कोई व्यक्ति मिले जिसने कुछ ऐसा किया है सोसाइटी के लिए जो कि इंस्पिरेशनल है, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है, तो नरेंद्र मोदी को मिला है। फिलिपी चैट्रियर अवार्ड 2023 का इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा मिला है जस्टिस हेनिन को। एफ मैंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022-23 के लिए मिला है ललियान जोला चंगते को। एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड मिला है कार्तिकी गॉन्सलेब्स को।
और इनको ऑस्कर भी मिल गया है उनकी डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्पर्स के लिए, तो उसी से रिलेटेड जो अवार्ड है ये मिला है इनको, कार्तिकी गोल्ड सेल्स को। तो देखिए जो डॉक्यूमेंट्री होती हैं या फिर जो अवार्ड्स होते हैं, मोस्टली जो मूवीज़ होती हैं अलग टाइप की होती हैं जिसमें जिनको मिलता है, लेकिन जो एनिमल्स के ऊपर किसी को मिलना बहुत अच्छी बात हो जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्पिरेशनल बात हो जाती है, कोई और भी ऐसा काम कर सकता है। प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 इन द मलयालम लैंग्वेज मिला है प्रिया एएस को। यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड मिला है बाइकोला रेलवे स्टेशन को, जो कि महाराष्ट्र का है, जम्मू एंड कश्मीर। रूरल लाइवलीहुड बेसन स्कॉच अवार्ड मिला है 2023 को। फ्रेंड्स का हाईएस्ट अवार्ड जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर मिला है पीएम मोदी को। पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला है राजेंद्र सिंह दत्त को एंड पेंट पेंटजर प्राइज मिला है मिचेल रॉयसन को। अपॉइंटमेंट देख लीजिए जुलाई के महीने की, न्यू डायरेक्टर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के बने हैं जी कैनेबिडियन। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा स्टील के चुने गए हैं टीवी नरेंद्रन। जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई चुने गए हैं चीफ जस्टिस केरल हाईकोर्ट के। देवेंद्र कुमार उपाध्याय को चुना गया है चीफ जस्टिस बॉम्बे हाईकोर्ट का। जस्टिस आलोक आराधे को चुना गया है चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट का। सतपाल भानु को चुना गया है मैनेजिंग डायरेक्टर लाइफ इंश्योरेंस का। राकेश पाल को चुना गया है 25th डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड का। मनोज यादव को चुना गया है न्यू डायरेक्टर जनरल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर उज्जवल भुयन और केरला के चीफ जस्टिस उज्जवल भुयन और केरला के चीफ जस्टिस एस वेंकट नारायण भट्टी ने अपॉइंट किया है जजेस को सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट के द्वारा। जो तेलंगाना चीफ जस्टिस हैं और केरल के चीफ जस्टिस हैं, ये दोनों अपॉइंट हुए हैं जज सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसी के साथ जो टोटल जज हो गए हैं वो हो गए हैं 33। इसमें आप लोग एक बार टोटल को 32 मान लीजिए क्योंकि 32 ही लिखा गया है यहाँ पे, और 34 टोटल हैं, तो ये दो वैकेंसी बच जाती हैं इसके बाद। और तेलंगाना के चीफ जस्टिस हैं और केरल के चीफ जस्टिस हैं, जिनको दो को अपॉइंट किया गया है जजेस के रूप में सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट है अभिजीत चक्रवर्ती, जो कि MD और CEO बनाए गए हैं SBI कार्ड और पेमेंट सर्विसेज के। बी नीरजा प्रभाकर को चुना गया है चेयरमैन रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ऑफ द ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च का। तुषार मेहता को चुना गया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ब्रजेंद्र नवनीत को चुना गया है इंडिया का एम्बेसडर WTO के लिए 9 मंथ के लिए। PM प्रसाद को चुना गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कोल इंडिया लिमिटेड का। कृष्ण मिश्रा को चुना गया है CEO ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ये जो कैटेगरी है वो स्पोर्ट की है। स्पोर्ट का जो भी इम्पोर्टेंट रहा है जुलाई के महीने में वो देख लीजिए। कौन सी कंट्री जो है होस्ट है ICC वर्ल्ड कप 2023 की, तो इंडिया होस्ट करेगा इसको। और ICC वर्ल्ड कप जो है 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 को ही आयोजित होंगे और ये 13th एडिशन रहेगा मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का। और इंडिया ने 3 बार होस्ट किया था, लेकिन जो बाकी की कंट्रीज़ के साथ किया था, जैसे किसी के USA के साथ कर लिया, लेकिन अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ही इसको होस्ट करेगा अकेले अकेले। और इसके अलावा जैसे क्रिकेट का आपको पता है, क्रिकेट से कौन कौन सी कप या ट्रॉफी जुड़े हैं, रणजी ट्रॉफी, एशेज कप, एशिया कप, विल्स ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सब जो ट्रॉफी हैं ये क्रिकेट से रिलेटेड हैं। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी टर्म जो है पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या फिर कौन सी ट्रॉफी या कप स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी टीम ने जीता है टाइटल टोर्नियो डेल जो है सेंटेनेरियो 2023 का वुमेन्स हॉकी में, तो इंडिया ही इसको जीत गई है और इंडिया ने स्पेन को हराया है इसमें। ठीक है, तो इंडिया ने स्पेन को हराया है और ये जो है अपने नाम कर लिया है ये टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने ACC मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 का टाइटल जीता है, तो ये पाकिस्तान के द्वारा जीत लिया गया है। ACC मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप का जो है ये टाइटल जीत लिया गया है और ये जुलाई के महीने में आयोजित हुए थे और होस्ट कहाँ पे हुआ था, ये श्रीलंका में हुआ था होस्ट। और 8 टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। और हेडक्वार्टर जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, यदि मैं बात करूँ तो कुआलालंपुर मलेशिया में है और 1983 में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था।
ACC के अंतर्गत ही बाद में ये वाला जो है स्पोर्ट आया, ACC मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप, जो कि पहली बार आयोजित किया गया था 2013 में सिंगापुर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10th क्रिकेटर ऐसे कौन बन गए हैं जिन्होंने 500 इंटरनेशनल अपीयरेंस जो है बना लिए हैं? तो विराट कोहली। कौन से ऐसे 2 कंट्रीज हैं जो होस्ट कर रही हैं फीफा वुमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप को 2023 में? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कर रही हैं। कौन सा स्टेट ऐसा विनर बन गया है 6th यूथ वुमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का? हरियाणा बन गया है। कौन सी कंट्री की जो टीम है वो इंगेज हुई है विनर FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 की? तो नीदरलैंड की जो है टीम जीती है। प्रेसिडेंट बास्केट फेडरेशन ऑफ द इंडिया का कौन बना है? आधा अर्जुन। कौन से ओलंपियन ने रिसेंटली जीता है लुसाने डायमंड लीग 2023 का? नीरज चोपड़ा ने जीता है। कौन सी कंट्री ने अपॉइंट किया है होस्ट, कौन सी कंट्री को अपॉइंट किया गया है होस्ट अंडर 17 वर्ल्ड कप का? इंडोनेशिया को। तो यहाँ पे डेज और थीम्स हैं जुलाई के महीने में, जो भी इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं उनको देख लीजिए। 1 जुलाई को होता है डॉक्टर्स डे, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी होता है, GST डे भी होता है। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे होता है, वर्ल्ड UFO डे भी 2 जुलाई को होता है। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे होता है। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे होता है। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे होता है। 11 जुलाई को ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है। 2023 की थीम याद कर लीजिए, अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। 12 जुलाई को इंटरनेशनल मलाला डे होता है। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे होता है, थीम थी स्किलिंग टीचर्स ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे होता है। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे होता है। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे होता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस होता है। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे भी 28 जुलाई को होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को होता है, और किस पे ध्यान दिया गया है कि टाइगर्स के नंबर को इंक्रीज किया जाए। 31 जुलाई को वर्ल्ड रेंजर डे होता है, थीम थी 30x30। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के, तो कौन सा सेटलमेंट का मोड जो है अनाउंस किया गया है जो ट्रेड होगा इंडिया और मलेशिया के बीच इंडियन रूपी में जो है ट्रेड व्यापार किया जाएगा? किसको रिसेंटली इलेक्ट किया गया है न्यू चेयर इंटरगवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज का? तो IPCC का न्यू चेयर बनाया गया है जेम्स फर्ग्यूसन जिम को, जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं। कौन सी कंट्री ऐसी लेटेस्ट टीम बन गई है जो कि क्वालिफाई जिसने कर लिया है 2024 के ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए? पपुआ न्यू गिनिया। बतागी का क्रिएटर जो है, जो कि हाल ही में खबरों में थी, कौन सी कंट्री में है? बतागी का क्रिएटर रशिया में है। पेड्रो संचेज जो है कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो पेड्रो संचेज ये बने हैं स्पेन के प्राइम मिनिस्टर। कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है मिलिट्री एक्सरसाइज तलिस्मान सेबर? तलिस्मान सेबर को होस्ट किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी? जोहान्सबर्ग में। हुन सेन जो है कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं? कंबोडिया के, जो कि अभी हाल ही में खबरों में थे। कौन सी कंट्री बेस्ट सिटी स्टूडेंट के लिए मानी गई है QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के अनुसार? लंदन। कौन सी कंट्री से हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है सेट मंगा रहा है, बाई कर रहा है लाइट और मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर? अर्जेंटीना से। लार्जेस्ट रेप्टाइल सेंचुरी जो कि US में है, ये इम्पोर्ट कर रही है गार्डियंस कौन सी कंट्री से? इंडिया से, हमारे से। और कौन सी कंट्री सेकंड क्वाड कंट्री बन गई है जिसने चिप पैक्ट साइन किया है इंडिया के साथ? जापान ने किया है। कौन सी कंट्री ने डोनेट किया है $1 मिलियन प्रमोट करने के लिए हिंदी को यूनाइटेड नेशंस में? इंडिया ने किया है। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया है इमरजेंसी? क्यों किया है? क्योंकि एड्रेस करने के लिए फूड क्राइसिस सर्जेस और शॉर्टेजेस को नाइजीरिया ने फूड की वजह से स्टेट इमरजेंसी जो है घोषित कर दिए हैं। कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने 5 MOU साइन करे हैं डेवलपमेंट करने के लिए मेजर इकोनॉमिक कॉपरेशन में? श्रीलंका के साथ किए हैं। कौन सी कंट्री को इंडिया ने हैंडओवर किया है मिसाइल कॉर्बेट INS कृपान? INS कृपान इंडिया ने हैंडओवर किया है वियतनाम को। कौन सी कंट्री ने अप्लाई किया है ज्वाइन करने के लिए ब्रिक्स बैंक को? अल्जीरिया। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ब्राज़ील रसिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका। कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने साइन किया है कॉपरेशन एग्रीमेंट कोलेब्रेशन के लिए स्टील सेक्टर और डी कार्बनाइजेशन इश्यूज़ में? जापान ने किया है।
सवत मिर्जी योयेव ये री इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट 7 ईयर टर्म के लिए कौन सी कंट्री की, उज्बेकिस्तान की। नाटो नेशंस ने गैदर किया है एनुअल समिट नाटो का विलीनियस में, तो जो विलीनियस की जो नाटो की समिट है वो विलीनियस में हुई है, तो विलीनियस जो है कौन सी कंट्री की कैपिटल है, लिथुआनिया की है ये। कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज कर रही है यूएनएससी का पहला मीटिंग ऑन द थ्रेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूनाइटेड किंगडम कर रहा है। इंडिया और कौन सी कंट्री जो है जॉइंटली होस्ट कर रही है टू डे इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस 30 और 31 अगस्त को जो होगा, तो इंडिया और केन्या मिलकर 2 दिन का जो इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस जो है जॉइंटली होस्ट करेंगे। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी 2023 का है, तो मिलेट का प्रमोशन हो रहा है। कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने डेवलप किया है न्यू जनरेशन का मिलिट्री इक्विपमेंट, फ्रांस के साथ किया है। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट, चाइना ने किया है। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली हैंड ओवर किया है 105 एंटीक्विटीज़ इंडिया को, यूएसए ने। कौन सी कंट्री ने एग्री किया है कि वो एक्सटेंड करेंगे ब्लैक सी ग्रीन डील, रसिया ने। कौन सी सिटी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड किया है बेस्टाइल डे परेड, जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मनाई जाएगी पेरिस में। कौन सी कंट्री ऐसी पहली बन गई है जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है कंप्लीट बैन ऑन थिन प्लास्टिक बैग्स, जो थिन प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनको कंप्लीट बैन कर दिया जाएगा। नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला किया है। पेडो सैंचेस जो हैं ये न्यूज़ में थे, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्पेन से। कौन सी कंट्री ने ऐड किया है 664 एनिमल स्पीसीज को अपने फॉनल डाटाबेस में और 339 को फ्लोरा में, तो इंडिया ने किया है। कौन सी कंट्री सेटअप कर रही है संघाई अलायंस को, जो कि ज्वाइन करेगी संघाई अलायंस को, तो ईरान करेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी, 66। कौन सी कंट्री से इंडिया ने परमिट किया है पोटैटो इंपोर्ट करने के लिए जून 2024 तक विदाउट द नीड फॉर एन इम्पोर्ट लाइसेंस, भूटान से जो है पोटैटो खरीदेंगे। ब्रॉडर सोर्ड जो है ऑपरेशन है ये कॉम्बैट करने के लिए इलीगल ट्रेड को, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि एक जॉइंट ऑपरेशन है 2 कंट्रीज़ के बीच, तो ये जॉइंट ऑपरेशन है ब्रॉडर स्वॉर्ड इंडिया और यूएसए के बीच। यूनाइटेड स्टेट ने डिसाइड किया है प्रोवाइड करने के लिए क्लस्टर बॉम्ब्स का और आर्मर्ड व्हीकल्स का, कौन सी कंट्री को सहायता प्रदान करने के लिए ये जो देने का फैसला ये किया गया है, यूक्रेन को देने का फैसला ये किया गया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाई ग्रेड फॉस्फेट रिजर्व जो है कौन सी कंट्री में डिस्कवर हुआ है, नॉर्वे में। कौन सी कंट्री ऐसी सेकंड कंट्री बन गई है जिसने अप्रूव किया है यूज ऑफ लैब ग्रोन मीट का, यूएसए बन गई है। कौन सी कंट्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके, जिसका नाम है क्रायकॉस मिट्सोटाकिस, तो ये ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली हाईएस्ट स्टेट ऑनर जो उनका है ऑर्डर ऑफ द नील अवार्ड जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दिया है, गैप्ट का जो ही ऑनर है ये प्राइम मिनिस्टर को मिला है। कौन से स्टेट की ऑथोर बीटा लेब को जीआई सर्टिफिकेट मिला है, तमिलनाडु की को मिला है। प्रोजेक्ट गजकोठा ये लॉन्च हुआ है कौन से स्टेट में, असम में। कौन सी ऐसी पहले ट्रांसजेंडर वुमेन बन गई हैं जिसने मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीता है, रिक्की कोले। करंट एस्टिमेट टाइगर पॉपुलेशन इंडिया की क्या है जिसकी और इसकी एनुअल ग्रोथ क्या है, तो करंट टाइगर की स्ट्रेंथ है 3,925 टाइगर्स और ग्रोथ रेट है 6.1%। कौन से प्लेस पे अनु अवेयरनेस यात्रा 2023 की लॉन्च हुई है, थीम क्या है इसकी, एटम्स इन द सर्विस ऑफ नेशंस, ये कलापक्कम में लॉन्च हुई है। अकीरा ने हेडलाइन बनाई है, तो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है साइबर थ्रीट के, तो रैंसम वेयर जो है साइबर थ्रीट है उससे बिलोंग करती है अकीरा। हेली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या थी, 80 थी। नेम क्या है न्यू वैरायटी के व्हीट का डेवलप किया गया है, जो कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा ओबेसिटी और डायबिटीज से लड़ने के लिए PVWRS1 इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनल कॉन्फ्रेंस ड्रग स्मगलिंग और नेशनल सिक्योरिटी पे कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में। कौन सी IIT रैंक की गई है टॉप इंस्टीट्यूट बन गया है NIRF रैंकिंग के अनुसार, IIT मद्रास। कौन से शहर में इंडिया की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट जो है लॉन्च हुई है, चेन्नई में। कौन सी नवरत्न कंपनी ने रिसीव किया है अवार्ड इन द कैटेगरी टाइमली पेमेंट फॉर द ईयर 2023, NLC इंडिया लिमिटेड। और किसको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, किया गया है को डोंगो को। कौन सी एंटिटी के द्वारा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 ड्राफ्ट की गई है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। हेमिस फेस्टिवल किसके ऑनर में मनाया जाता है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी के ऑनर में, लॉर्ड पद्मसंभव की एनिवर्सरी के ऑनर में मनाया जाता है।
जुलाई के महीने करंट जो अफेयर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आप जून के देख लीजिए, जून के अवार्ड और ऑनर्स देख लीजिए। अरुंधति रॉय को 45th यूरोपियन एसे प्राइज मिला था आज़ादी के लिए। सलमान रुश्दी को मिला था जर्मन पीस प्राइज 2023 का। गीता प्रेस गोरखपुर को अवार्ड मिला था गांधी पीस प्राइज 2021 का। यूएस डिपार्टमेंट लेबर 2023 का इकबाल मसीह अवार्ड मिला था एलिमिनेट करने के लिए चाइल्ड लेबर को, ललिता नटराजन को। जॉर्जी गोस्पोडिनोव को विनर बनाया गया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज का। ये कौन सी कंट्री के हैं? बुल्गारिया के हैं। और टाइम शेल्टर इनकी एक पुस्तक थी उसके उनके लिए उसको नोबेल प्राइज़ मिला था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पहली इंडियन बन गई हैं जिनको ऑनर किया गया है सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिटी ने होल्ड किया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि वहाँ पे योगा सेशन के दौरान स्टेट लेवल पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। तो सूरत जो सिटी है गुजरात की, उसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया था कि इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर जो कि 21 जून को होता है, और उसके अवसर पर बहुत सारे लोग 1,00,000 से ज़्यादा लोग कलेक्ट हुए थे। और इंटरनेशनल योगा डे की थीम थी योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, और जो कि G20 की थीम से इंस्पायर है। और G20 की प्रेसिडेंसी आपको पता है 2023 में हमारे इंडिया के पास है। फिनटेक सिटी और टावर प्रोजेक्ट कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तमिलनाडु में नहीं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, इसमें सब चीज़ें जो है ये होंगी और जॉब भी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। कौन से इंडियन स्टेट को अवार्ड किया गया है इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड उसकी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के लिए? तेलंगाना को उसकी 5 ब्यूटीफुल लैंडमार्क्स बिल्डिंग के लिए इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला था। तेलंगाना जो है एनवायरनमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा कदम उठा रहा है, तो इसलिए एनवायरनमेंट कैटेगरी में भी तेलंगाना को अवार्ड मिला है। मोगरा हाउसिंग स्कीम उड़ीसा की है, ठीक है, जहाँ पे घर बनाने के लिए लोगों को जो बेनिफिशरीज हैं उनको सहयोग दिया जाता है। मंथली पेंशन जो है पद्मा अवार्डीज को कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है कि मंथली पेंशन दी जाएगी? तो हरियाणा की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई सेरेमनी के रूप में कौन से स्टेट के लोग मना रहे हैं? राजस्थान के। कौन से स्टेट में एग्रीकल्चर फेस्टिवल राजा मनाया जाता है? उड़ीसा में। तो जो ये पर्व होते हैं ना, तो जैसे उड़ीसा है तो इसमें राजा को और अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, उसकी जो लैंग्वेज है बेसिकली लोकल लैंग्वेज है उसमें ही इसको बोला जाता है, लेकिन हम राजा इसको बोल रहे हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये, तो धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। कौन से स्टेट ने टारगेट किया है कल्टीवेट करने के लिए पैड़ी का, धान का DSR मेथड का इस्तेमाल करके 5 लाख एकड़ ऑफ लैंड पे? पंजाब ने ऐसा किया है टारगेट सेट। कौन से स्टेट की पुलिस फोर्स ने 2.2 लाख किलोग्राम का मरिजुआना जो है स्टेट में जो है जला दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था? तो ये उड़ीसा में कर दिया गया था। फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ट्राइबल राइटर्स पर, ये कहाँ पे हुई है? जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पे ट्राइबल्स के जो राइटर्स हैं वो अपना योगदान दे सकते हैं, अपनी यूनिक स्पेशलिटी जो है ये प्रस्तुत कर सकते हैं। कारी इर्शद महंगो यह है कौन से स्टेट का है जिसने रिसेंटली GI टैग मिला है जिसको? कर्नाटका का है कारी इर्शद महंगो। तो इलीगल जो वेस्ट डंपिंग होती है रोड से, उसका कोई व्यक्ति रिपोर्ट करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, ये सिस्टम जो है कौन से स्टेट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है? केरल के द्वारा। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान 2023-25 का कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? हरियाणा ने। कौन से स्टेट या यूटी ने रिसेंटली रिलीज किया है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स? जम्मू एंड कश्मीर ने किया है। CM लर्न एंड अर्न स्कीम जो है कौन से स्टेट गवर्नमेंट की है? मध्य प्रदेश की। शक्ति स्कीम जो है जो प्रोवाइड करेगी फ्री बस ट्रेवल वुमेन्स के लिए, कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है? कर्नाटका ने। लाडली बहना स्कीम महिलाओं को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है कंट्री में जो कि रिकॉग्नाइज करेगा प्राइवेट वर्चुअल स्कूल को? तो राजस्थान। कौन से स्टेट ने इंट्रोड्यूस किए हैं बस जिसमें एयर प्योरीफायर भी लगाए जाएंगे ताकि पॉल्यूशन से कॉम्बैट किया जा सके? वेस्ट बंगाल ने ऐसा फैसला लिया है। कौन सा स्टेट ऐसा बन गया है जो कि पहले नंबर पे आया है ओवरऑल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस की कैटेगरी में? तेलंगाना ने टॉप किया है। नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम जो कि जिसका बजट बताया जा रहा है 1,000 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। पहला स्टेट ऐसा बन गया है जिसने ऐसी कमेटी बनाई है जो कि कंजर्वेशन करेगी सीड का, प्रिजर्व की जाएगी जो कि ट्राइबल फार्मर्स के द्वारा। तो उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है इसने कमेटी सेटअप की है कंजर्वेशन करने के लिए सीड्स का, जो कि ट्राइबल फार्मर्स के द्वारा प्रिजर्व किए जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश में हुए हैं, ये आपको पता है। मोघरा हाउसिंग स्कीम उड़ीसा ने लॉन्च की है, ये भी आपको पता है।
अहमद नवाब जो हैं प्राइम मिनिस्टर बने हैं कुवैत के, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 400 मिलियन यूएसडी का जो है कौन सी कंट्री को देने का वादा किया है सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत बांग्लादेश को। सिप्री ईयरबुक 2023 के अनुसार कौन सी कंट्री के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो सिप्री ईयरबुक 2023 के अनुसार रसिया के पास सबसे ज़्यादा वेपन्स हैं। माओरी ट्राइब जो कि खबरों में थी, कौन से कंट्री को बिलोंग करती है न्यूजीलैंड को। कौन सी कंट्री सेट कर रही है जो कि रिलीज करेगी वर्ल्ड का पहला डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड जो कि ट्रेड होंगे डेडिकेटेड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे, इजराइल। तो ऑफलाइन तो आप देख ही रहे थे कि गवर्नमेंट बॉन्ड जारी किए जाते थे, लोग उनसे फ़ायदा उठाते थे, बेनिफिट लेते थे, क्योंकि जो है ये सिक्योरिटी होती है गवर्नमेंट बॉन्ड में, आपको जो इंटरेस्ट रेट बोला जाता है उस पर आपको दिया जाता है, तो एक सिक्योरिटी होती है कि आपको मिलेगा ही पैसा, आपका डूबेगा नहीं। तो पहले जो है पेपर पे होते थे अब, लेकिन ये जो डिजिटली ब्लॉकचेन के माध्यम से हो रहे हैं, तो पहली बार ऐसा इसको इजराइल कर रहा है। वर्ल्ड की पहली हाइपरसोनिक वाइन ट्यूनल जो है JF-22 कौन सी कंट्री ने बिल्ड की है, चाइना ने। कौन सी कंट्री जो है होस्ट कर रही है एयर डिफेंडर 2023 जो कि नाटो की लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज है, जर्मनी इसको होस्ट कर रही है। बिम्सटेक एनर्जी सेंटर कहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है, इंडिया में। कफ्वी नेशनल पार्क जो कि न्यूज़ में था, कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, जाम्बिया में। कौन सी कंट्री ऐसी पहली कंट्री बन गई है वर्ल्ड में जिसने मैंडेट कर दिया है कि जो भी इंडिविजुअल सिगरेट होती हैं उस पर मैंडेट किया जाएगा, हेल्थ वार्निंग उस पर साफ साफ लिखी जाएंगी कि इसको पीने से ये होता है, कनाडा ने ऐसा फैसला लिया है। डॉक्टर अब्दुल्ला एल मेंडेस जो है इनको न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मेंडेस, यूएई के हैं। कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है, फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करने के लिए नेपाल के साथ साइन किया है। आईपीएस ऑफिसर रवि सिन्हा को न्यू चीफ चुना गया था रॉ का। अमित अग्रवाल को अपॉइंट किया गया था UIDAI का CEO, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जो कि आधार कार्ड से संबंधित है, CEO बनाया गया है अमित अग्रवाल को। RBI के डिप्यूटी गवर्नर बनाया गया है स्वामीनाथन जानकी रमन को। डायरेक्टर जनरल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का बनाया गया है सुबोध कुमार सिंह को। न्यू डायरेक्टर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का चुना गया है जनार्दन प्रसाद को। 78th UNGA प्रेसिडेंट बने हैं डेनिस फ्रांसिस। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। ब्रांड एम्बेसडर एप्सॉन इंडिया का बनाया गया है रश्मिका मंडाना को। डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बनाया गया है नितिन अग्रवाल को। तैयब एर्डोगन जो है कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं, कौन सी कंट्री के, टर्की के। बोला टिनवो जो है प्रेसिडेंट बने हैं नाइजीरिया के। और एक्सटर्नल ऑडिटर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चुना गया है GC मुर्मू को। स्पोर्ट के करंट अफेयर जो उनके देख लीजिए, एशिया कप 2023 पाकिस्तान में होगा 31 अगस्त से 17 सितंबर तक। भवानी देवी जो कि चेन्नई से हैं, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, इंडिया का पहला मेडल जो कि ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में जो कि बुक्सी चाइना में हुई थी। तो 2-3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से आपके इसके बन गए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करने से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग सेट्टी ये मेंस डबल कैटेगरी में चैंपियन बने हैं इंडोनेशिया ओपन में। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया से मेंस डबल कैटेगरी में इंडोनेशिया ओपन जो है दो लोगों ने जीता है। इंडिया ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है लेबनान को हराकर। उरुग्वे ने इटली को हराया है और फर्स्ट अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल जो है जो कि अर्जेंटीना में हुआ था ये जीत लिया है। कौन सी कंट्री की हॉकी टीम ने रिसेंटली जीता है पहला वुमेन जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का, इंडिया ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2023 किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने। कौन से गेम से बिलोंग करते हैं जिलाटन इब्राहिमोविक जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है रिटायरमेंट फुटबॉल से। कौन सी सिटी में थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है कॉन्क्लूड हुए हैं, वाराणसी में। कौन सी टीम ने इंडिया की डिफीट किया है मेंस हॉकी एशिया कप जूनियर एशिया कप टाइटल में, पाकिस्तान को हराया है। कौन से IIT ने ट्रैक्टर मेज टेफ के साथ डेवलप किया है इंडिया का पहला डाइमिथाइल ईथर फ्यूल्ड ट्रैक्टर IIT कानपुर के साथ। कौन से शहर में गौला रिवर जो है ये खबरों में थी लोकेटेड है, नैनीताल में। मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 के अनुसार कौन सी ऐसी सिटी है जो सबसे ज़्यादा महंगी है लोगों के जो कि एक्सपेक्टेरेट्स होते हैं जो आने वाले लोग होते हैं उनके लिए, मुंबई सबसे ज़्यादा महंगा शहर है। इंडिया रैंक जो है स्टील क्रूड स्टील के प्रोड्यूसर के रूप में कौन सी है इंडिया की रैंक, तो ये सेकेंड है।
कौन से शहर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशन को यूनियन हेडक्वार्टर में लेड किया है? न्यूयॉर्क में। कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हाईएस्ट ग्रोथ जिसकी है वो मानी गई है या फिर हुई है एक्सपोर्ट के रूप में अप्रैल मई 2023 में, पिछले साल के कंपैरिजन में इस स्पीसीज की जो हाईएस्ट ग्रोथ है वो हुई है? कौन से स्टेट ने अडॉप्ट किया है एडॉप्शन में बाइंड एनर्जी के? तो राजस्थान ने। कौन से आईआईटी के रिसर्चर्स ने रिसेंटली डेवलप किया है लो कॉस्ट मोबाइल एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क? आईआईटी मद्रास ने। कौन से आईआईटी ने सक्सेसफुली जनरेट किया है हाइड्रोजन सी वाटर से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके? आईआईटी मद्रास ने। नॉर्थ ईस्ट रेलवे स्टेशन कौन से शहर का जिसको रिसीव हुआ है FSSAI का ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट? गुवाहाटी को। तो किसी स्टेशन को ऐसा अवार्ड जो है रिसीव हो जाता है, तो बाकी की जो रेलवे स्टेशन है उनको स्टैंडर्ड क्वालिटी का फूड बनाने में प्रोत्साहन मदद वो मिलती है इंस्पिरेशन। कौन सा स्टेट में पहले टॉय ट्रेन जो है चलेगी जो कि CNG पे आधारित है? राजस्थान में। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो सेटअप करेंगे टेक्नोलॉजी सेंटर कौन से शहर में? हैदराबाद में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कौन से शहर में प्रोजेक्ट को फिर को लॉन्च किया है? बेंगलुरु में। इंडिया होस्ट करेगा IIAS एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 का कहाँ पे? कोची में। डे और थीम देख लीजिए जून के महीने की। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे होता है, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे होता है, थीम थी राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 5 जून को बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है, थीम थी फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है, थीम थी गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन। 13 जून को इंटरनेशनल एल्विनिज्म अवेयरनेस डे होता है, थीम थी यूनाइटेड मेकिंग आर वॉइसेस हर्ड। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर होता है, थीम थी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे होता है, थीम थी प्लानेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट होता है, थीम थी हर लैंड हर राइट। 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे होता है, थीम थी बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सिकल सेल कम्युनिटीज, फॉर्मलाइजिंग न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग एंड नोइंग योर सिकल सेल डिसीज स्टेटस। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है, थीम थी योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। 26 जून को वर्ल्ड ड्रग डे होता है और 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स होता है। बुक्स देख लीजिए, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा गया है जर्नलिस्ट AK भट्टाचार्य के द्वारा। अजय टू योगी आदित्यनाथ को लिखा गया है शांतनु गुप्ता के द्वारा। नालंदा जो कि रिलीज होगी अभय के द्वारा लिखी गई है। कथकली डांस थिएटर लिखा गया है KK गोपाल कृष्णन के द्वारा। रिंग साइड को लिखा है डॉक्टर विजय दारधा ने। ए लाइफ वेल स्पेंट 4 डिकेड इन द इंडियन फॉरन सर्विस लिखा है सतीश चंद्र ने। फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में लार्जर स्टेट की कैटेगरी में केरल ने टॉप किया है और स्मॉलर स्टेट में गोवा ने टॉप किया है। यूटीज़ में जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में CSE के रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना की जो रैंक है वो टॉप पे थी। अब मई के महीने के देखते हैं 100 क्वेश्चन। बुक्स एंड ऑथर देख लीजिए, कलेक्टिव स्प्रिट कॉन्क्रीट एक्शन लिखा गया है शशि शेखर वेम्पति के द्वारा। गोल्डन ईयर द मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। माई लाइफ एज अ कॉमरेड लिखा है के सैलजा ने। मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस और एंटरप्राइज लिखा है अमिताभ कांत ने। रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड लिखा है डॉक्टर विजय दारदा ने। जस्ट एस्पायर नोट्स ऑन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड फ्यूचर लिखा है अजय चौधरी ने। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसको बनाया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का चुना गया है MS रामचंद्र राव को। CII प्रेसिडेंट 2023-24 के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं आर्दनेस। MD और CEO के जो हैं MD और CEO जो हैं टाटा केमिकल बोर्ड के चुने गए हैं आर मुकुंदन। ब्रांड एम्बेसडर त्रिपुरा टूरिज्म के चुना गया है सौरभ गांगुली को। कौन सा पोर्टफोलियो असाइन किया गया है यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू को? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और न्यू चेयरमैन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का किसको चुना गया है? अनिल कुमार जैन को। किसको अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन UPSC का? मनोज सोनी को। कौन अपॉइंट हुए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ट्विटर के? लिंडा याकेरिनो। ओसामा हमनाथ कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं? लिबिया के। लुडोविट ओडोर ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन सी कंट्री के? स्लोवाकिया के। ब्रांड एम्बेसडर ड्यूरोफ्लेक्स का किसको बनाया गया है? विराट कोहली को। फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर गुच्ची का बनाया गया है आलिया भट्ट को। 22nd प्रेसिडेंट बांग्लादेश के बने हैं MD साहबुद्दीन। इंडिया का फर्स्ट ई गवर्न स्टेट बन गया है केरल।
कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट की है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी? हिमाचल प्रदेश ने। कौन से स्टेट के स्टार्टअप मिशन को रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड का नंबर वन पब्लिक बिजनेस इंक्यूबेटर यूबीआई ग्लोबल के द्वारा? केरल की। कौन से स्टेट के सीएम ने लॉन्च किया है मछलीपत्तनम पोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए? आंध्र प्रदेश की। कौन से स्टेट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एस्टेब्लिश करेंगे टू लव कुश वाटिका हर डिस्ट्रिक्ट में ताकि इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले? राजस्थान ने ऐसा फैसला लिया है। कौन से स्टेट ने बैन जो है एक्सटेंड कर दिया है जो भी मैन्युफैक्चर करता है और जो सेल करता है तंबाकू कंटेनिंग च्यूएबल फूड प्रोडक्ट का? तो तमिलनाडु ने जो बैन है वो और एक्सटेंड कर दिया है। कोदुमश्री जो कि लार्जेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप है कंट्री का, कौन से स्टेट को बिलोंग करता है? केरल। इंडिया का बिगेस्ट स्काईवॉक ब्रिज जिसका लेंथ है 570 मीटर ये कौन से स्टेट का है? कौन से स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है? तमिलनाडु में। साहस इनिशिएटिव जो है महिलाओं के लिए सेफर वर्क प्लेस जो है प्रमोट करने के लिए कौन से स्टेट में इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है? तेलंगाना में। कौन से स्टेट का जो लॉ है जलीकट्टू जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा उसको हटा दिया गया है? तमिलनाडु का जलीकट्टू जो है स्पोर्ट है। कौन से स्टेट ने 100% कवरेज जो है अचीव कर लिया है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत? तेलंगाना ने। फार्मर जो है कौन से स्टेट के रिसीव करेंगे 12,000 एनुअली किसान सम्मान निधि के अंतर्गत? महाराष्ट्र से। तो 6,000 सेंटर की तरफ से मिलेंगे, 6,000 स्टेट की तरफ से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सिक्योर की है पहली पोजीशन इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टेट इन नीति आयोग के एनुअल हेल्थ इंडेक्स 2020-21 में? केरल ने। कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है जंगल सफारी जैसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? राजस्थान। पैच रिपोर्टिंग ऐप के अनुसार कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है पैच रिपोर्टिंग ऐप टू मेक द रोड्स इन द स्टेट फ्री ऑफ पॉट होल्स गड्ढों से मुक्त बनाने के लिए? उत्तराखंड ने। कौन से स्टेट जो है सेकंड नंबर पे आया है 48 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के मामले में? उत्तर प्रदेश। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है इंडिया में जिसने लॉन्च किया है वेलफेयर फंड मनरेगा वर्कर्स के लिए? केरल। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है कंट्री में जो कि ड्रोन सर्वेलेंस सिस्टम सभी पुलिस डिस्ट्रिक्ट में जो है ये अपनाएगा? केरल। फिफ्थ एडिशन ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का कहाँ पे हुआ है? केरल में। लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप मैटी कहाँ के बिलोंग करते हैं? मणिपुर में। तो मणिपुर में वायलेंस देखने को मिल रहा था क्योंकि मैटी जो है एसटी का दर्जा मांग रहे थे, तो इसी वजह से बाकी जो कम्युनिटीज हैं उनको ये पसंद नहीं आ रहा था, तो इसी की वजह से वायलेंस हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से स्टेट ने डिक्लेयर किया है कि उसके सारे जो विलेज हैं वो 100% ODA प्लस हो गए हैं स्वच्छ भारत मिशन रूरल फेज सेकंड के अंतर्गत? तमिलनाडु ने ऐसा और डिक्लेयर किया है। जम्मू कश्मीर के बाद कौन से शहर में लिथियम डिपॉजिट फाउंड हुए हैं? राजस्थान में। मिशन परिवर्तन जो है इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ को कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? बिहार ने। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बन रहा है? महाराष्ट्र में। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे के अनुसार कौन सा स्टेट है जो कि मोस्ट इनोवेटिव बना है? तो कर्नाटका है। उत्साह पोर्टल प्रमोट करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन इंडिया में कौन सी एजेंसी ने लॉन्च किया है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। 2022 के अंत तक नंबर ऑफ डिस्प्लेस पीपल जो हुए हैं कितने नंबर हैं उसके? 71 मिलियन। मेरी लाइफ ऐप जो है कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस है? सेविंग द एनवायरनमेंट। कौन सा टेंपल जो है पांडवाज के द्वारा बनाया गया था जिसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है? तुंगनाथ टेंपल। कौन सा एयरपोर्ट है जो कि मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट है वर्ल्ड में? हैदराबाद एयरपोर्ट। कौन सा अभियान लॉन्च किया गया है डिजिटल ट्रांजेक्शन 50,000 ग्राम पंचायत में प्रमोट करने के लिए? समर्थ अभियान। सेंगोल का मतलब क्या है? क्योंकि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है उसकी चेयर के पास रखी जाएगी, तो राइट ने सच्चाई है इसका प्रतीक, धर्म पे चलना। कौन से IIT ने इजराइल और इंडिया के साथ पार्टनर किया है सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश करने के लिए? IIT मद्रास ने। न्यू रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंट्री का ई वेस्ट जनरेशन पर पर्सन जो है लास्ट 2 डिकेड में 3 गुना हो गया है? कैनेडा। ई वेस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स से जो वेस्ट निकलता है जैसे लैपटॉप वगैरह जब यूज में नहीं आते हैं, टीवी वगैरह जब ख़राब हो जाती है, मोबाइल वगैरह जब ख़राब हो जाते हैं, तो उसको ई वेस्ट बोलते हैं। कितना टैप वाटर कनेक्शन जो है प्रोवाइड कर दिया गया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत? 12 करोड़। कौन सा जो पोर्ट है उसको प्रेस्टिजियस सागर श्रेष्ठ अवार्ड मिला है 2023 का? कोचिन पोर्ट को। कौन सा IIT ने रिसेंटली अनवील किया है नया लैब इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए? IIT रुड़की ने। इंडिया की रैंक रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर में जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 लॉन्च हुआ था उसमें कितनी थी? 161। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 का रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा रिलीज हुआ है, इसमें इंडिया की रैंक 161 थी।
कौन से IIT ने डेवलप किया है मशीन लर्निंग टूल डिटेक्ट करने के लिए ट्यूमर्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, तो IIT मद्रास ने मशीन लर्निंग टूल डेवलप की है। कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है SCU हेड ऑफ स्टेट समिट 2023 इंडिया? कौन सी कंट्री में इंडिया ने रिसीव किया है अप्रूवल कि वो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वहाँ पर बनाएंगे? नेपाल। कौन सी कंट्री में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको बोला जाता है सिटी ऑफ डेड लोकेटेड है ग्याप्त में पावरफुल बॉम्ब है जिसका नाम है GBU-57 कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है? USA। कौन सी कंट्री जो है असिस्ट कर रही है राजस्थान को इन मैनेजिंग इट्स वाटर सेक्टर एंड रेप्लिकेटिंग इट्स वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम? डेनमार्क। कौन से यूरोपियन कंट्री ने रिसेंटली लीगल कर दिया है यूथेनसिया को? पोर्टुगल ने। यूथेनसिया क्या होता है? इच्छा मृत्यु। कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने बायलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट की है जिसका नाम है समुद्र शक्ति 2023 इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती है ये एक्सरसाइज? डव की लैंड पोर्ट जो कि रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? इंडिया और बांग्लादेश में लोकेटेड है। कौन सी मेंबरशिप जो है किसकी वो वापस से रिस्टोर हो गई है अरब लीग में? सीरिया की हो गई है। कौन सी कंट्री में यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल ने सितवे पोर्ट इनॉग्रेट किया है? म्यांमार में। कौन सी कंट्री सेट कर रही है ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसने मैंडेट कर दिया है कि जो भी अल्कोहल के प्रोडक्ट होते हैं उस पर हेल्थ वार्निंग जो है कॉम्प्रिहेंसिव कर दी गई है कि ज़रूर लिखी होनी चाहिए कि इनको पीने से क्या होता है? आयरलैंड। और हमने सिगरेट का देखा था कनाडा। PM नरेंद्र मोदी ने और जापान और पपुआ न्यू गिनी की टूर की है, इसके अलावा एक और कंट्री की थी मई में। कौन सी कंट्री थी वो? ऑस्ट्रेलिया। 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? बांग्लादेश। यूनाइटेड किंगडम ने कौन से कंट्री के डायमंड और मेटल को बैन कर दिया है G7 मीटिंग से पहले जो कि जापान में हुई थी G7 मीटिंग? तो रसिया के डायमंड और मेटल्स को जो है बैन कर दिया है यूनाइटेड किंगडम ने। कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने रिसेंट इनिशिएट किया है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम बांग्लादेश के साथ? कौन सी कंट्री में 76th केन्स फिल्म फेस्टिवल जो है मई 16 को जो है आयोजित हुआ है? फ्रांस में। एशियन टूरिज्म फोरम जो है कौन सी कंट्री में हुई है? लाओस में। कौन सी कंट्री इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गई है 2023 में? USA और UAE के बाद नीदरलैंड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? सिंगापुर में। कौन सी कंट्री में इंडिया ने बिल्ड किया है एकता हार्बर पोर्ट? मालदीव्स में। कौन सी कंट्री में 1 मिलियन से ज़्यादा पोलियो वैक्सीन को डिस्ट्रॉय कर लिया गया था? सूडान में किया गया था। फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बन रहा है? असम में। कौन सी कंट्री लार्जेस्ट रेसिपेंट बन गई है डिविलियर्स का एशिया में? पाकिस्तान। IPL 2023 किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग ने, ये तो पता है आपको। वर्ल्ड नंबर वन पोजीशन मेंस जेवलियन थ्रो में किसकी रैंक आई है? नीरज चोपड़ा की। कौन सा प्लेयर ने क्रॉस कर लिया है 600 रन मार्क इन द सिंगल IPL सीजन फॉर द थर्ड टाइम? विराट कोहली ने। डैनियल मेडवेडेव ने जिन्होंने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? रसिया। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुई है? साउथ कोरिया। मैड्रिड ओपन 2023 जो कि जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा ही स्पेन से बिलोंग करते हैं। विंबलडन ओपन 2023 काविन के द्वारा ही जीत लिया गया है। शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी जीता गया है पुरस्कार सोशलिस्ट पंडित रामकृष्ण ने। हाईएस्ट पेड एथलीट वर्ल्ड में 2023 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो कि पोर्टुगल प्लेयर हैं। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड मिला है योगी आदित्यनाथ को जो कि CM है उत्तर प्रदेश के। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 का मिला था बुल्गेरियन राइटर जॉर्जी ओस्पोटिनोव और उनके ट्रांसलेटर जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एंजेला रॉडल को। हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन ऑर्डर मिला है चेवलियर एन चंद्रशेखर को और जिसका नाम है चेवलियर डी ला लेजेंडियन ऑनर। एक्सरसाइज देख लीजिए मई के महीने की इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच हुई है अल महोद अल हिंदी 2023 नेवल एक्सरसाइज। तो कौन सी कंट्री के बीच हुई है और कहाँ पे हुई है? तो अरेबियन सी और गल्फ रीजन में कंडक्ट हुई थी। समुद्र शक्ति जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हुई है, इंडोनेशिया में कंडक्ट की गई थी। कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच हुई है अंडमान सी में। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे होता है, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे होता है, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है। थीम थी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे होता है, 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी होता है।
11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है, तो उजड़ते ही इसकी थीम थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ होता है, थीम थी प्लांट हेल्थ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे होता है, थीम थी आर नर्सेज आर फ्यूचर। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे होता है, थीम थी मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव लॉन्गर। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे होता है, थीम थी म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे होता है और 19 मई को नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे होता है। 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे होता है और 31 मई को वर्ल्ड नो तंबाकू डे होता है। एक बार आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उवाली फेस्टिवल नेपाल में सेलिब्रेट किया गया था और गंगा पुष्कारलु फेस्टिवल ये 12 जो मेजर सेक्रेड रिवर है इंडिया पे वहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है। अप्रैल के महीने की देखेंगे करंट अफेयर्स। हेरिटेज फाउंडेशन की 29th इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 131। सिप्री के ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की कौन सी रैंक थी 4th। इंडिया की रैंक वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38th थी। कौन सा ट्रेडिशनल फोल्क डांस है जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना जो है नाम कर लिया है, लार्जेस्ट ट्रेडिशनल डांस बन गया है जो कि सिंगल वेन्यू पे परफॉर्म किया गया था, बिहू जो कि असम का और जो है फोक डांस है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है कब तक एक्सटेंड कर दी गई है, 2025 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम किया है कि नियरली 9% जो है शेयर इलेक्ट्रिक जनरेशन का न्यूक्लियर सोर्स से आएगा, तो 2047 तक इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर बन जाएगा। कौन से साल तक? 2026 तक। कौन से साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम किया है कि वो $1 trillion टूरिज्म इकोनॉमी बन जाएगी? 2047 तक। इंडिया की रैंक मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज में कौन सी है? 77th। न्यू चेयरमैन NTRO के बने हैं अरुण सिन्हा। चीफ जस्टिस त्रिपुरा हाई कोर्ट के बने हैं जस्टिस अपरेश कुमार सिंह। नासा ने किसको अपॉइंट किया है न्यू मून टू मार्स प्रोग्राम का हेड? अमित क्षत्रिया को। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अजय सिंह। पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है इंडिया के पहले डिजिटल साइंस पार्क का केरल में। कौन से स्टेट ने इंस्टॉल किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन फूड क्वालिटी को असेस करने के लिए ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए? महाराष्ट्र ने। कौन से स्टेट के असेंबली इलेक्शन ने वोट फ्रॉम होम का इनिशिएटिव जो है जारी कर दिया है? कर्नाटका ने। मानामुदरई पॉटरी जो है कौन से स्टेट का है जिसने GI टैग हासिल किया है? तमिलनाडु का है। सजना सिंह जो कि एक थर्ड जेंडर सोशल वर्कर हैं, इलेक्शन आइकन के रूप में चुनी गई हैं। कौन से स्टेट की? मध्य प्रदेश की। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव केरल का है। कौन से स्टेट ने टारगेट किया है कि वो 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 2030 तक? उत्तर प्रदेश ने। तेजस्वी प्रोग्राम जो कि डेवलप करने के लिए एंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंस और स्किल स्टूडेंट के अमाउंग किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। कितने परसेंट रिजर्वेशन दिव्यांग एम्प्लॉयज का जो है प्रमोशन में अनाउंस किया गया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा? 4%। हकी पिकी ट्राइब जिसको हाल ही में खबरों में देखा गया था कर्नाटक की है। नेशनल अवार्ड फसल बीमा योजना में कर्नाटका को मिला है। मुलापेटा पोर्ट का फाउंडेशन स्टोर आंध्र प्रदेश में रखा गया है। मिशन संजीवनी एम्पावर करने के लिए डेयरी फार्मर को हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। हुन थड़ाओ कल्चरल फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया है। हालांकि वन लाइनर हैं तो लेकिन इनसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। कौन से इंडियन स्टेट UT ने अनाउंस किया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अवार्ड देंगे वो कि ताकि दलित की वेलफेयर के लिए कदम उठाए जाएँ और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको अवार्ड मिले? तेलंगाना ने। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है जो कि DNA डाटाबेस प्रिपेयर कर रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज को? हिमाचल प्रदेश। थावी फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? बिहार में। डिजिटल हेल्थ समिट 2023 की कहाँ पे हुई थी? गोवा में। इंडियन ऑयल और US बेस्ड लंजार्ट इंक्लूसिव ने सेटअप किया है इंडिया का पहला ग्रीन एविएशन फ्यूल प्रोडक्शन कहाँ पे? हरियाणा में। कम्बम ग्रेप्स ने रिसेंटली GI टैग हासिल किया है तमिलनाडु के हैं कम्बम ग्रेप्स। चीफ मिनिस्टर आदिवासी परव सम्मान निधि योजना लॉन्च हुई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। बेस्ट यूटिलाइजेशन MP लेड्स फंड में फिस्कल ईयर 2023 में गुजरात ने बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है। ADR रिपोर्ट के अनुसार कौन से स्टेट के CM वेल्दीएस्ट हैं इंडिया में? आंध्र प्रदेश के। कौन से इंडियन स्टेट के पास सबसे ज़्यादा GI टैग्स हैं? तमिलनाडु के पास हैं। कूल रूफ पॉलिसी मिनिमाइज करने के लिए जो भी हीट हो जाती है बिल्डिंग्स पे किसने इंप्लीमेंट किया है? तेलंगाना ने। थर्ड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन से स्टेट ने टॉप किया है? कर्नाटका ने। बसोली पेंटिंग GI टैग मिला है इसको कौन से स्टेट से हैं या फिर UT से हैं? जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी किसने इनॉग्रेट किया है? छत्तीसगढ़ ने।
डिफरेंट विलेज प्रोग्राम की भी थ्रू एक बॉर्डर विलेज में किसने लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया है अमित शाह ने। दृश्य स्कीम जो है सर्वे करने के लिए एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का किसने रिसेंटली लॉन्च किया है? हरियाणा ने। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है गज उत्सव काजीरंगा में, कहाँ पे? असम में। मर्चराइस को रिसेंटली जी आई टैग मिला है, कहाँ के हैं? मर्चराइस बिहार के। नागरी दुर्भाज राइस को जी आई टैग मिला है, कहाँ के हैं ये? छत्तीसगढ़ के। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली ट्रांसजेंडर को ओबीसी का स्टेटस दिया है? मध्य प्रदेश ने। विनय दामोदर सरवाकर का बर्थ एनिवर्सरी को स्वतंत्रता वीर गौरव दिन के रूप में मनाया जाएगा, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। सुहेलवा सेंचुरी जो है जिसने पहला फोटोग्राफिक प्रूफ जो है टाइगर का रिकॉर्ड किया है, कौन से स्टेट की है? उत्तर प्रदेश की। रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में। वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर एशियन किंग वल्चर्स के लिए जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में। कौन से स्टेट में एराविकुलम नेशनल पार्क लोकेटेड है जो कि पहला ऐसा बन गया है जो कि फर्नेरियम को हाउस करेगा? केरल। माउंट किलिमंजारो को अंजलि शर्मा ने कॉनकर कर लिया है, फतेह कर लिया है अफ्रीका में। लॉन छाड़ी यानी कि अपना ही लोकल जो ड्रेस है वो पहन के, हिमाचल प्रदेश की है अंजलि शर्मा। कौन से इंडियन स्टेट में इंडियन रेलवे ने कंप्लीट कर दिया है इलेक्ट्रिफिकेशन एंटायर रेल नेटवर्क का? हरियाणा ने किया है ऐसा। कौन से स्टेट ने रिसीव किया है $363 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक से ताकि वो रूरल हाउसहोल्ड 2 मिलियन रूरल हाउसहोल्ड को क्लीन वाटर जो है प्रोवाइड कर सकें? कर्नाटका ने ऐसा किया है। ग्रेट बैंक रॉबरी एक पुस्तक है, ये लिखी गई है पत्तावी राम और सब्यसाची दास के द्वारा। रिफ्लेक्शन को लिखा है नारायण बागुल ने। बार एंड वुमेन को लिखा है डॉक्टर एम ए हसन ने। इसमो क्रैशेज को लिखा है अमिताभ घोष ने। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन लिखा है शशि शेखर वेम्पति ने। एंड सचिन @50 लिखा है बोरिया मजूमदार ने। कौन सी कंट्री ट्रेन करेगी 1000 इंडियन इंजीनियर्स को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में? जापान। डिंग लिरियन कौन सी कंट्री के हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन जो है जीत ली है? फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप चाइना के हैं। सैंटियागो पेना कौन सी कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं? पैरागे के। कौन सी कंट्री से 2400 इंडियंस को बाहर निकाला गया था ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत? सूडान से। अस्ताना इंटरनेशनल फोरम कहाँ पे हुई है? कजाकिस्तान में। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ब्लू होल जो कि 900 फीट डीप है कहाँ पे मिला है? मैक्सिको में। ऑपरेशन कावेरी इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको बाहर लाने के लिए लॉन्च किया गया था, कौन से कंट्री से? सूडान से। कौन सी कंट्री में IIT मद्रास ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस सेटअप किया है? तंजानिया में। कंट्री का बिगेस्ट ऑयल सप्लायर कौन है? इंडिया का, रसिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है कहाँ पर लोकेटेड है जो कि पहला ओवरसीज जो ऑफिस है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अबूधाबी में। फेंगुआन 3 सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। कौन सी कंट्री ने रिप्लेस किया है इंडोनेशिया को एज द होस्ट ऑफ FIFA Under-20 वर्ल्ड कप? अर्जेंटीना। वर्ल्ड लार्जेस्ट नार्को स्टेट कौन सी कंट्री बन गई है? सीरिया। फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? इंडिया में, नई दिल्ली में। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन अर्थ सैटेलाइट Typha-1 कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है? केन्या ने। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अमेरिका रहा है। कौन सी कंट्री ऐसी पहली बन गई है जिसने अप्रूव कर दिया है ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को चिल्ड्रन के लिए? घाना। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लीजिए अप्रैल के। मालकोम आदि से अवार्ड मिला था उत्सा पटनायक को। फेमिना मिस इंडिया 2023 पेजेंट जीता था नंदिनी गुप्ता ने। इंटरनेशनल प्राइज स्टेटिस्टिक्स में मिला था सी राधा कृष्ण राव को। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल मिला था वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड मिला था कुमार मंगलम बिरला को। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड आशा भोसले को मिला था। रेमोन मैक्साय अवार्ड दलाई लामा को मिला था। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा ने जीता था। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड राज सुब्रमण्यम ने जीता था। एक्सरसाइज कवर जो है इंडियन आर्म फोर्सेस आर्मी नेवी एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच हुई थी कहाँ पे? अंडमान और निकोबार आइलैंड में। स्लाइनेक्स 2023 जिसका 10th एडिशन था इंडिया और श्रीलंका के बीच एक्सरसाइज होती है, श्रीलंका में ही हुई थी। कोप इंडिया एक्सरसाइज 2023 इंडिया और USA के बीच होती है कहाँ पे हुई थी? वेस्ट बंगाल में। इनी ओकोस 2023 के एक्सरसाइज इंडिया और ग्रेस के बीच हुई थी। लॉक सील्ड जो है लॉक्ड सील्ड एक्सरसाइज ये नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सलेंस में हुई थी। एंड अजय वेरियर 2023 इंडिया यूनाइटेड किंगडम की है और ये UK में हुई थी। अप्रैल के यहाँ पे इंपॉर्टेंट डे देख सकते हैं, 1 अप्रैल को ओडिशा फाउंडेशन डे होता है जिसको उत्कल दिवस भी बोलते हैं। RBI फाउंडेशन डे भी 1 अप्रैल को होता है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे होता है। थीम थी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स एट होम एट वर्क इन द आर्ट्स एंड पॉलिसी मेकिंग।
4 अप्रैल को महावीर जयंती होती है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 की थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे होता है, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे होता है, 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है, थीम थी इन्वेस्ट इन आर प्लानेट। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को होता है, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को होता है, थीम थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। कौन से प्लेयर को ऑनर किया गया है गेट पे, आइकॉनिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के गेट पे सचिन तेंदुलकर को। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने कितने मेडल जीते, 14। गिरिगिरिया तंजंग ने स्पिन मास्टर जीता है वुमेन टाइटल का, कौन से ईयर का, 2023 का, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पीवी सिंधु को हराया था। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल अरविंद चिदंबरम ने जीता है, 2023 का। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। यांगली फेस्टिवल असम में मनाया गया था और टीवा पीपल के द्वारा मनाया गया था। एस यू मेट फूड फेस्टिवल 2023 का मुंबई में मनाया गया था। होने थड़ाऊ कल्चरल फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया था थड़ाउस कम्युनिटी के द्वारा। थावे फेस्टिवल बिहार का है एंड सिंथ एंड स्नो फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया था। मार्च के महीने के करंट अफेयर्स देख लीजिए। PFRDA का चेयरमैन बनाया गया था दीपक मोहंती को। थर्ड वाइस प्रेसिडेंट नेपाल का बनाया गया था राम शाह प्रसाद यादव को। और न्यू प्रेसिडेंट वियतनाम का चुना गया था वो बन थुआंग को। मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का बनाया गया था रोहित जावा को। वार एंड वोमेन पुस्तक लिखी गई थी डॉक्टर एम बी हसन के द्वारा। इंडिया की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम कावपॉक्स टू वैक्सीन मैथड लिखी थी श्री सज्जन सिंह यादव ने। मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी लिखा था डॉक्टर करण सिंह ने। मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया लिखा था अनुराग बहन ने। वाई कांट एलिफेंट बी रेड लिखा था बानी त्रिपाठी टिक्कू ने। कौन से स्टेट की कांगड़ाटी को यूरोपियन यूनियन का जियोग्राफिकल टैग मिला था, हिमाचल प्रदेश की। कौन से स्टेट UT से आलिया मीर बिलोंग करती हैं जिनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला था, जम्मू एंड कश्मीर से। कौन से स्टेट UT में अंजी खाद ब्रिज जो है ये लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो कि इनॉग्रेट किया गया था यूनियन एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा, कहाँ पे, हरियाणा में। कौन से यूटी के लिए लोकसभा ने 1.8 लाख करोड़ का बजट जो है पास किया है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। राइट टू हेल्थ बिल फर्स्ट किसने पास किया था, राजस्थान ने। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 5 ईयर मिलेट मिशन, तमिलनाडु ने। कौन से स्टेट ने MOU साइन किया है फ्रेंच एजेंसी के साथ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, हिमाचल प्रदेश। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने गजमित्र लॉन्च किया है जो कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, वेस्ट बंगाल ने। कौन से स्टेट ने सेलिब्रेट किया है सजावू नोगमा पम्बा एक लूनर न्यू ईयर, मणिपुर ने। मुकुंद्र हिल्स कहाँ पर लोकेटेड हैं, राजस्थान। एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है, उत्तराखंड में। पदम लक्ष्मी पहले ट्रांसजेंडर लॉयर बन गई हैं, कौन से स्टेट में, केरल में। झरनी योजना पोर्टल कौन से CM ने इनॉग्रेट किया है, झारखंड के CM ने। दयालु योजना जो है रिसेंटली लॉन्च की गई है अंत्योदय फैमिलीज को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए यदि कुछ डेथ हो जाती है या फिर डिसेबिलिटी, हरियाणा ने ऐसा फैसला लिया है। लक्खी मेला कहाँ पर हुआ है, स्टार्ट राजस्थान में करौली और सीकर में मनाया गया है। कौन से स्टेट ने डिसाइड किया है मिलेट को मिड डे मील में स्कूल्स में इंक्लूड करने का और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत डिसाइड किया है इंक्लूड करने का, उत्तर प्रदेश ने। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो 600 यंग गजमित्र को प्रोटेक्ट एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्च करेंगे, वेस्ट बंगाल ने। सागर परिक्रमा 4 फेज कहाँ पर कंक्लूड हुआ है, कर्नाटका में। फूल डे फेस्टिवल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है, उत्तराखंड में। कौन से इंडियन स्टेट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है इलेक्ट्रिक ट्रेन पहली बार, मेघालय ने। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने मस्टर्ड और ग्राम जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो है ये बाय किए हैं, कौन से स्टेट में, राजस्थान में। 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन स्टेटहुड एक्टिविस्ट में स्टेट गवर्नमेंट जॉब में, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, उत्तराखंड ने। माधव नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है जो कि खबरों में था, मध्य प्रदेश में। फोर्थ एशियन खो खो चैंपियनशिप जो है महिला और पुरुषों की कहाँ पे हुई है, असम में। न्यू हेल्थ प्रोग्राम आरोग्य महिला कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तेलंगाना में। 38th नेशनल गेम कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए हैं, 2024 में, उत्तराखंड में। कौन से स्टेट में PM मोदी ने डेडिकेट किया है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे नेशन को, कर्नाटका ने। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है जिसने इंश्योरेंस स्कीम सेरिकल्चरिस्ट के लिए लॉन्च की है, उत्तराखंड। कौन से स्टेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, कर्नाटका में।
अतिकुल पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। डॉक्टर मानिक शाह ने जो है न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं कौन से स्टेट के? त्रिपुरा के। 6.37 लाख ओलिव रिडली टर्टल जो हैं रोशिकुल्या बीच पे आए थे मास नेस्टिंग के लिए, ये रिकॉर्ड कौन से स्टेट में दर्ज हुआ है? उड़ीसा में। कौन से स्टेट में अश्विनी यादव जो है इन्होंने रिलीज किया है गूग्रीन को ऑर्गेनिक कवर? सिक्किम में। 53rd डिस्ट्रिक्ट माओगंज कौन से स्टेट का है? मध्य प्रदेश का है। वर्ल्ड का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर हाईवे कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है? महाराष्ट्र में। नॉर्थ ईस्ट का पहला कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे अनवील हुआ है? असम में। इंडिया का पहला ऐसा कौन सा स्टेट बन गया है जिसने रोबोटिक एलिफेंट इंडक्ट किया है रिचुअल ड्यूटीज़ के लिए? केरल। कौन से स्टेट की हैं पहली जो महिला बन गई हैं MLA? तो ये नागालैंड में बनी हैं। कौन से टू कंट्रीज जो हैं डिक्लेयर हो गई हैं मलेरिया फ्री WHO के द्वारा? अजरबैजान और तजिकिस्तान। शेख खालिद बिन मोहम्मद जायद जो हैं ये कौन सी कंट्री के प्रिंस क्राउन बने हैं UAE के? इंग्लिश लैंग्वेज को बैन कर दिया गया है कौन सी कंट्री से? इटली से। कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट ने हमजा यूसुफ को नया न्यू फर्स्ट मिनिस्टर अपॉइंट किया है? स्कॉटलैंड। कौन सी कंट्री में स्नेहा आईलैंड सिचुएटेड है? UAE में है। कौन सी कंट्री में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर है मीनाक्षी लेखी, इन्होंने वर्चुअली फेस्टिवल ऑफ इंडिया को इनॉग्रेट किया है? कुवैत में। जोफ्री बावा इंडिया के साथ नई दिल्ली में, किसने इनॉग्रेट किया है? श्रीलंका ने। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कौन सी कंट्री टॉप पे थी? अफगानिस्तान। लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर सिप्री रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश था? इंडिया था। कौन सी कंट्री ऐसी पहली बन गई है जो कि CO2 को इम्पोर्ट करेगी और अपनी अंडरसी को दफनाएगी? तो डेनमार्क। वर्ल्ड का लार्जेस्ट चिप सेंटर जो है कहाँ पे बन रहा है? साउथ कोरिया में। साइक्लोन फ्रेडी से कौन सा कंट्री इफेक्ट हुआ था? मालावी। यंगेस्ट प्रेसिडेंट चिली के कौन बने हैं? गैब्रियल बोरिक फोंट। माउंट मेरापी वोल्केनो इरप्ट हुआ है तो कौन सी कंट्री में इरप्ट हुआ है? इंडोनेशिया में। कौन सी कंट्री ने मिलिट्री सर्विस जो है महिलाओं के लिए ओपन कर दी है पहली बार 25 सालों में? कोलंबिया ने। कौन सी कंट्री ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेमीकंडक्टर्स के लिए चाइना इंडिया के साथ? इंडिया और USA ने किया है। रामचंद्र पौडेल थर्ड प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री के बने हैं? नेपाल के। इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड इथनो फार्मोकोलॉजी कांग्रेस कहाँ पे हुई है? इम्फाल में। यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है इंडिया के साथ किसने लॉन्च किया है? UK ने। कितने रेलवे स्टेशन जो हैं आइडेंटिफाई किए गए थे अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत? 1275। टारगेट नंबर क्या है नॉन लिटरेट का जो कि एज ग्रुप है जिनकी 15 साल और उससे ऊपर, जो कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत जो है कवर किए गए थे? 5 करोड़। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में जो कि टेनर जिसका 2 साल है कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर किया गया है? 7.5% का। नाम क्या है फर्स्ट क्लोन फीमेल काफ का देसी ब्रीड गिर जो है इंडिया में? गंगा। फिश प्रोडक्शन में वर्ल्ड में इंडिया के क्या रैंक है? 3rd। यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितने परसेंट लोगों के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है? 26%। इंडिया जो है एनर्जी इंडिपेंडेंस कब तक हासिल कर लेगा? 2047 तक। एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर आहार 2023 कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। एशिया की पहली वुमेन लोको पायलट ने वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट की है, क्या नाम है उनका? सुरेखा यादव। मेंस और वुमेंस एशियन खो खो चैंपियनशिप टाइटल 2023 का कौन सी कंट्री ने जीता है? इंडिया ने। संतोष ट्रॉफी 54 साल के वेट के बाद कौन से स्टेट ने जीती है? कर्नाटका ने। कौन सी कंट्री के लेडीज ओपन गोल्फ टाइटल ने कौन सी कंट्री का लेडीज ओपन गोल्फ टाइटल जीता था? इंडिया की गोल्फर आदित्य अशोक ने, केन्या का। 2027 एशियन कप फुटबॉल कहाँ पे होंगे? सऊदी अरेबिया में। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 का कश्मीर की आलिया मीर को मिला था। केरल का हाईएस्ट सिविल ऑनर केरल ज्योति MT वासुदेवन अय्यर को मिला है। 2023 का एवल प्राइज लुइज कैफरेली को मिला था। 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जैनकिंस स्प्रिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड नेपाली क्रिकेटर आसिफ शेख को मिला था। सरस्वती सम्मान 2022 का तमिल राइटर शिवासंकरी को मिला था। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को। एंड प्रिटिज का आर्किटेक्चर प्राइज मिला था सर डेविड चिपरफील्ड को। स्नियोमेट्रिक एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच होती है, जापान में हुई थी। बोल्ड क्रूशित एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच होती है। खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होती है। अल मोहम्मद अल हिंदी इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच होती है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन इंडिया और USA के बीच होती है। एंड कोंकण इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच होती है। यहाँ पे मार्च के इंपॉर्टेंट डेज हैं, आप इसको एक बार पॉज करके देख सकते हैं।
फेस्टिवल और फेयर्स देख लीजिए। मार्च के सियांग उनियंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, याओसंग फेस्टिवल मणिपुर में, और 5 दिन चला था ये फेस्टिवल। ऑब्जर्व किया जाता है फुल मून डे पे जो मंथ ऑफ लमता में पड़ता है, स्पेशली इन द फरवरी मार्च के महीने में। भूमचू फेस्टिवल सिक्किम का है जो कि एनुअल सेलिब्रेशन है, जो कि 15th डे जो होता है पहले लूनर मंथ का, फरवरी और मार्च के महीने में भी ये पड़ता है। कोडावा हॉकी फेस्टिवल कर्नाटका का है, गोरसम कोरा फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का है, सबजू नगमा ये पनवा फेस्टिवल मणिपुर का है। फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देख लीजिए। न्यू चेयरमैन इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड के बने थे रवि मित्तल। न्यू वाइस चीफ एयरफोर्स बने थे एयरफोर्स के एपी सिंह। फर्स्ट सीईओ गुजरात मैरिटाइम क्लस्टर के बने थे माधवेंद्र सिंह। पुमा इंडिया ने साइन किया था ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर को। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने थे अजय बांगा। ब्रांड एम्बेसडर पेप्सिको के बने थे रणवीर सिंह। नेशनल एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के बने थे आयुष्मान खुराना। न्यू गवर्नर झारखंड के बने थे सीपी राधा कृष्ण राव। न्यू एमडी और सीईओ बने थे कनाडा बैंक के सत्यनारायण राजू। 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये राजस्थान में हुआ था। इलोरा जनता इंटरनेशनल फेस्टिवल महाराष्ट्र में मनाया गया। 22 कन्नाडा डिम दिमावा फेस्टिवल कर्नाटका का है। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है सेवामोगा पोर्ट को कर्नाटका में। कौन से स्टेट ने जीता है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड? जम्मू एंड कश्मीर ने जीता है। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है इंडिया में जिसने ऑर्गेनाइज किया है मुलेठी का कल्टीवेशन करना? हिमाचल प्रदेश। कौन से स्टेट ने रिसीव किया है अप्रूवल सेंटर से रीनेम करने के लिए औरंगाबाद को छत्रपति संभाजीनगर के रूप में और उस्नामाबाद को धारासिव के रूप में? महाराष्ट्र ने ये किया है। 18th गवर्नर मणिपुर का कौन बना था? अनुसुईया उइके। कौन से स्टेट है यूटी जो है मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन बन गई है इंडिया में? बिहार। कौन से स्टेट में पहला न्यूक्लियर प्लांट जो है नॉर्थ इंडिया का ये बन रहा है? हरियाणा में। 22 प्रेसिडेंट जो हैं इन्होंने रन उत्सव अटेंड किया था कौन से स्टेट में? गुजरात में। पीएम मोदी ने वर्चुअल इनॉग्रेट किया है जल जन अभियान कौन से स्टेट में? राजस्थान में। गवर्नर एलजी लद्दाख के कौन बने हैं? बीडी मिश्रा। सोनिया गोकानी जो हैं फर्स्ट वुमेन एक्टिंग चीफ जस्टिस बनी हैं गुजरात की। कौन से स्टेट ने टॉप किया है मेडल टैली खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का और टोटल इन्होंने 161 मेडल जीते हैं? महाराष्ट्र। कौन से स्टेट की लीगल सर्विस अथॉरिटी ने ऑर्गेनाइज किया है पहला नेशनल लोक अदालत 2023 का? जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है? मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कहाँ पे स्टार्ट हुई है? मध्य प्रदेश में। मेरा रुख मेरा संतति न्यू ग्रीन इनिशिएटिव कहाँ पे लॉन्च हुआ है? सिक्किम में। कौन सी कंट्री में इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है एक्स कोबरा वेरियर एक्सरसाइज में? तो यूके में। कौन सी कंट्री ने परसू किया है $5.2 बिलियन की डील जो है इंडिया के साथ 6 सबमरीन बनाने के लिए? जर्मनी ने। कौन सी कंट्री ऐसी पहली बन गई है यूरोप में जिन्होंने मेंस्ट्रुअल लीव के लिए एक लॉ इनेक्ट किया है? स्पेन। कौन सी कंट्री एसोसिएटेड है सौर रिवोल्यूशन से? अफगानिस्तान। नेशनल स्टेट ऑफ एमरजेंसी कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर किया था जब साइक्लोन आया था? गैब्रिले न्यूजीलैंड ने। नेवर्स का सैंड हिल कहाँ पे लोकेटेड है? यूएसए में। जो है कौन सी कंट्री में मर्कल ने रिसीव किया है यूनेस्को पीस प्राइज? जर्मनी में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सी कंट्री टॉप पे थी? फिनलैंड। साइक्लोन गैब्रियल कौन सी कंट्री में आया था? न्यूजीलैंड में। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित हुआ था? फिजी में। बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला था इंडिया के सज्जन जिंदल को। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था कार्तिक सुब्रमण्यम को। यूनेस्को पीस प्राइज आइवरी कोस्ट में एंजेला मर्कर को मिला था। राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड मिला था जर्नलिस्ट एवी के प्रसाद को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह को। बेस्ट फिल्म एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मिला था द कश्मीरी फाइल्स को। त्रिशक्ति प्रहार जो है ऑल आर्म्स और सर्विसेज के बीच हुई थी इंडियन आर्मी के नॉर्थ बंगाल में। तर्कस एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच हुई थी चेन्नई तमिलनाडु में। 10 लिख 2023 इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच हुई थी उत्तराखंड में। धर्मागार्जुन इंडिया और जापान के बीच हुई थी। टोपची 2023 इंडियन आर्मी ने इसको कंडक्ट किया था। फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज देख लीजिए। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को होता है 2023 की थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रजिस्ट्रेशन। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है थीम थी क्लोज द केयर गैप। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को होता है थीम थी पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को होता है थीम थी रेडियो एंड पीस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को होता है
थीम थी ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को होता है। थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे होता है। थीम थी आई लव स्पैरो। 21 मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे होता है। थीम थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है। थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे होता है। थीम थी फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। 23 मार्च को शहीद दिवस होता है और ये जो दिवस है एनिवर्सरी मनाता है जो एग्जीक्यूशन हुआ था 3 इंडियन फ्रीडम फाइटर्स का, भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड शिवराम राजगुरु का 1931 में। 24 मार्च को वर्ल्ड टीवी डे होता है। थीम थी यस वी कैन एंड टीवी। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश में मनाया गया। मी द मीफ फेस्टिवल असम में मनाया गया। इंटरनेशनल खजुराहो डांस फेस्टिवल 49th edition मध्य प्रदेश में मनाया गया। इलोरा जनता फेस्टिवल महाराष्ट्र में मनाया गया था। मध्य प्रदेश ने भोपाल के इस्लाम नगर का नाम कर दिया है जगदीशपुर। इंडिया ने कॉन्गो को वेलकम किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। IIT मद्रास ने साइन किया है MOU इसरो के साथ डेवलप करने के लिए एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मॉड्यूल को। ऑपरेशन दोस्त इंडिया के द्वारा लॉन्च हुआ है टर्की और सीरिया की हेल्प करने के लिए। अब यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट लिस्ट रही हैं वो हम देखेंगे। 42nd एशियन समिट इंडोनेशिया में हुई थी। थीम थी एशियन अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ द ग्रोथ। 16 मीटिंग जो है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इसका होस्ट है नई दिल्ली। SCO फॉरन मिनिस्टर मीटिंग गोवा इसका होस्ट है। 49th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल न्यू दिल्ली इसका होस्ट है। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में आयोजित हुई थी। थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 7th इंटरनेशनल धर्मा धम्म कॉन्फ्रेंस भोपाल में आयोजित की गई थी। थीम थी ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू ईरा। गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर देख लीजिए। यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था आयुष्मान खुराना को। वर्ल्ड फर्स्ट हैंड एम्बेसडर बाय सेवलॉन स्वास्थ्य इंडिया सचिन तेंदुलकर बनाए गए थे। प्यूमा इंडिया का हरमनप्रीत कौर को चुना गया था। स्टार स्पोर्ट का जियो ऋषभ पंत को। जियो सिनेमा का रोहित शर्मा को। बियाकॉम एटीएम का MS धोनी को। पेप्सिको इंडिया का रणवीर सिंह को। त्रिपुरा टूरिज्म का सौरभ गांगुली को। गुच्ची इंडिया का आलिया भट्ट को। प्रेसिडेंट चेक रिपब्लिक के चुने गए हैं पेट्र पेवेल। 22nd प्रेसिडेंट बांग्लादेश के चुने गए हैं मोहम्मद साबुद्दीन। नेपाल के प्रेसिडेंट बने हैं रामचंद्र पौढ़ेल। 39th प्रेसिडेंट बने हैं ब्राज़ील के लुइज इनकेओ लूला डा सिल्वा। वाइस प्रेसिडेंट UAE के बने हैं शेख मंसूर बिन जायद अल नहन। PM न्यूजीलैंड के बने हैं चिरकिप्स हिपकिंस। PM ऑफ कुवैत बने हैं शेख अहमद नवाफ अल साहिब। फिल्म अवार्ड देख लीजिए। 18th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब मिला था नाटू नाटू को। 65th ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट इमर्जिंग ऑडियो एल्बम रही थी रिकी रेज की डायवाइन टाइड्स। ऑस्कर 2023 अवार्ड देख लीजिए बेस्ट पिक्चर का मिला था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए मिला था एलिफेंट विस्पर्स को। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड मिला था नाटू नाटू को जो कि इंडियन फिल्म RRR से था। 6th विमिस्टेक समिट जो है थाईलैंड में होगी नवंबर के महीने में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की समिट स्विट्जरलैंड में होगी। 2023 नाटो समिट जो है बिलियंस लिथुनिया में हुई है। COP28 क्लाइमेट समिट 2023 का होस्ट है UAE। G7 समिट 2023 हुई थी जापान में। 15th ब्रिक्स समिट 2023 अगस्त के महीने में साउथ अफ्रीका इसका होस्ट है। डिजिटल हेल्थ समिट 2023 गोवा ने होस्ट किया है। 1 वर्ल्ड TV समिट वाराणसी ने होस्ट किया है। क्रॉप्स एंड टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट देख लीजिए 2023 के। राइस में जो टॉप पे है वो वेस्ट बंगाल है। प्रोड्यूसर्स में हम बात कर रहे हैं रिजर्व एरिया में नहीं। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। गेहूं में उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा उत्पादन है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। टोटल पल्सेस में मध्य प्रदेश टॉप पे है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। टोटल ऑयल सीड में राजस्थान टॉप पे है। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है। रेप सीड और मस्टर्ड में राजस्थान टॉप पे है। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है। सोयाबीन में महाराष्ट्र टॉप पे है। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है। ग्राउंड नट में गुजरात टॉप पे है। राजस्थान दूसरे नंबर पे है। कॉटन में गुजरात टॉप पे है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। कोल में ओडिशा टॉप पे है। छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे है। बॉक्साइट में ओडिशा टॉप पे है। गुजरात दूसरे नंबर पे है। झारखंड तीसरे नंबर पे है। ग्रेफाइट में ओडिशा टॉप पे है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है। गोल्ड में कर्नाटका टॉप पे है। डायमंड में मध्य प्रदेश टॉप पे है। सिल्वर में राजस्थान टॉप पे है। क्रूड ऑयल में राजस्थान टॉप पे है। नेचुरल गैस में असम टॉप पे है।
वर्ल्ड के फर्स्ट देख लीजिए, वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर वल्चर के लिए महाराजागंज उत्तर प्रदेश में बना है। इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस जो है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेंगलुरु में बना है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट और यूनिक दिव्यांग पार्क नागपुर महाराष्ट्र में बना है। एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट इंदौर MP में बनाया गया है। एशिया का लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस लहरगागा पंजाब में एस्टेब्लिश हुआ है। इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम बिहार में बना है फाल्गु रिवर पे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट हजीरा गुजरात में बना है। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जयपुर राजस्थान में बन रहा है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क गुरुग्राम हरियाणा में खुला है। बजट देख लीजिए 2023-24 का, जो कि इम्पोर्टेंट टर्म्स जिसमें थी, टोटल एक्सपेंडिचर बजट का था 45 लाख करोड़, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसमें से 35 लाख करोड़ था और कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ था। फिस्कल डेफिसिट 5.9% का था, रेवेन्यू डेफिसिट 2.9% का था, प्राइमरी डेफिसिट 2.3% का था और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.7% का बजट में था। बजट में इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 20% जो शेयर है अलोकेटेड हुआ है। स्टेट शेयर टैक्स और ड्यूटीज़ का 18% अलॉटेड हुआ है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए 17% अलॉटेड हुई है मनी। डिफेंस के लिए 8% एक्सपेंडिचर अलॉटेड हुआ है यूनियन बजट में। सब्सिडीज़ के लिए 7% हुआ है। सबसे ज़्यादा जो इनफ्लो होता है वो बोरिंग से होता है, 34% जो पैसा आता है वो बोरिंग से ही आता है। GST से 17% आता है, इनकम टैक्स से 15% आता है। 100 लैब जो हैं 5G सर्विसेज के बेस पे जो हैं ये खोली जाएंगी और बहुत ज़्यादा इसमें एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल होगा, अपॉर्चुनिटीज होंगी। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट जो हैं गोबर्धन योजना के अंतर्गत खोले जाएंगी सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है सेटअप होंगे डिफरेंट स्टेट में स्किल करने के लिए यूथ को इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की इनहांस कर दी गई है 15 लाख से 30 लाख। ये सब बजट के फीचर्स थे। रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में 13th थी और ये जो इंडेक्स है रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 126 थी, टॉप फिनलैंड ने किया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 107 थी। जॉइंट रिलीज किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 2022 में 180 थी, टॉप डेनमार्क ने किया था। स्पोर्ट्स की वेन्यू देख लीजिए, समर ओलंपिक जो होंगे वो 2024 में पेरिस फ्रांस में होंगे, 2028 में लॉस एंजल्स और यूनाइटेड स्टेट में होंगे, 2032 की यदि बात कर लें तो ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे। विंटर ओलंपिक 2022 के बीजिंग चाइना में हुए थे, 2026 के मिलन एंड कॉर्टिना इटली में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के इंग्लैंड में हुए थे, बर्मिंघम इंग्लैंड में, 2026 के विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे। एशियन गेम 2023 के हंगजाओ चाइना में इसका होस्ट है, 2026 नगोया जापान में होंगे। ICC वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 जो है न्यूजीलैंड में आयोजित किए गए थे और 2025 इंडिया में आयोजित होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम पंचकुला हरियाणा और जो है फोर्थ एडिशन इसको होस्ट किया गया था हरियाणा में। 5th को मध्य प्रदेश में होस्ट किया गया था जिसमें विनर महाराष्ट्र जीता था। नेशनल गेम्स 36th गुजरात में और 37th गोवा इसका होस्ट है। स्पोर्ट टूर्नामेंट और चैंपियन देख लीजिए, 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जर्मनी ने जीता था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 महाराष्ट्र ने जीता था। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता था तीसरी बार। रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती थी, विजया हजारे ट्रॉफी भी सौराष्ट्र ने जीती थी। IPL 2023 गुजरात टाइटंस ने जीता था और 2023 का पता है आपको चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। दुलीप ट्रॉफी बेस्ट जोन ने जीती है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 इंग्लैंड ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस कैटेगरी में नोवाक जोकोविच ने जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं और वुमेंस कैटेगरी में अरियाना सबलिंका ने जो कि बेलारूस के प्लेयर हैं इन दोनों ने जीता था। फीफा 2026 आने वाले समय में कनाडा मेक्सिको और US में होंगे। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसका होस्ट है। एशियन गेम 2026 एची नगोया जापान में होंगे और कॉमनवेल्थ गेम 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे। समर ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में होंगे। विंटर ओलंपिक 2026 इटली में होंगे। मेंस ICC वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट हमारा इंडिया है जिसकी डेट भी अभी आ गई है। 2026 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड में होंगे। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 तस्कंद उज्बेकिस्तान इसका होस्ट है और बैडमिंटन चैंपियनशिप कॉपेनहेगन डेनमार्क में होंगे 2023 के। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो रिपीट होते हैं एग्जाम में देख लीजिए। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को होता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को होता है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को होता है।
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को होता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को होता है, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाते हैं, वर्ल्ड टीवी डे 24 मार्च को मनाते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे जिसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को, नेशनल पंचायती डे 24 अप्रैल को, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है और इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को, थीम थी योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाते हैं और नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को मनाते हैं। फर्स्ट वुमेन इन न्यूज रिवीजन कर लीजिए, शिवा चौहान जो है पहली महिला ऑफिसर बनी थी जिसको डिप्लॉय किया गया था सियाचिन में। पीटी उषा पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। माधवीपुरी बुच फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन बनी थी सेवी की। शांति श्री धूलीपुरी पंडित फर्स्ट वाइस चांसलर बनाई गई थी जेएनयू की। मिथाली राज ऐसी पहली महिला क्रिकेटर थे जिनको खेल रत्न अवार्ड मिला था। नाला थम्बी कैलाई सेवी पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी थी सीएसआईआर की। नगोजी कोंजो एवियाला फर्स्ट फीमेल डीजी बनी थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। जॉर्जिया मेलोनी इंडिया इटली की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी। मनप्रीत मोनिका सिंह जो है फर्स्ट एवर फीमेल सिक जज बनी थी यूएस में। शांति कुमारी फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी थी तेलंगाना की। इंडिया की कुछ एक्सरसाइज देख लीजिए, वरुण होती है इंडिया और फ्रेंड्स के बीच, जाइमैक्स होती है इंडिया और जापान के बीच, स्लाइनेक्स होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच, सिम्बैक्स होती है इंडिया और सिंगापुर के बीच, सिटमैक्स होती है सिंगापुर इंडिया और थाईलैंड के बीच, ऑस्टिनडेक्स होती है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, कोंकण होती है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच, बंगोसागर होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच, नसीम अल बहार होती है इंडिया और ओमान के बीच, जियर अल बहार होती है इंडिया और कतर के बीच, समुद्र शक्ति होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। नोबल प्राइज़ 2022 के देख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मेडिसिन में देख लीजिए, एलन एस्पेक्ट जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जेलिंजर को मिला था फिजिक्स में नोबल प्राइज। उनका एक्सपेरिमेंट था इंटेंजल फोटोन जो कि एस्टेब्लिश हुआ था वियोलेशन ऑफ वेल इनइक्वलिटीज एंड प्योनरिंग क्वांटम इन्फॉर्मेशन साइंस पे। केमिस्ट्री में मिला था कैरोलिन आर बर्टोजी मॉर्टन मेंडल और के बेरी शार्पलेस को डेवलपमेंट के लिए क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए। क्लिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऐसी केमिस्ट्री जो कि रिएक्शंस को और फास्ट कराती है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती हैं केमिकल इक्वेशंस में उनको फास्ट करवाती है, एज ए कैटलिस्ट के रूप में वर्क करती है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में सवान्ते पावो को मिला था उनकी डिस्कवरी कंसर्निंग द जीनोम ऑफ एक्सटेंट होमिनियंस एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। जो भी एक्सटेंट हो गए हैं जीनोम्स उनकी बारे में खोज करना, उनके बारे में डिस्कवरी करना, इन सब चीज़ों के बारे में ही मेडिसिन में मिला था सवान्ते पावो को। इसी के साथ हम वीडियो के अंत पे आ गए हैं। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, इसका कमेंट में सही उत्तर बताना। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कौन से दिन मनाया जाता है? 16 जुलाई, 11 जुलाई, 29 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।